हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आया हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में, और यहाँ पर एक टैलेंट की तलाशी करते करते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। कहते हैं हुनर तो सबके पास होता है, टैलेंट तो सबके पास होता है, किसी का छिप जाता है और मित्रों किसी का छप जाता है। लेकिन छापने के लिए कई लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, कई जिंदगी निकल जाती है, कई रिसर्च करने पड़ते हैं और अपने आप की खोज करने पड़ती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हमारे बीच में है आज ऐसे ही एक टैलेंटेड पर्सन, हमारे बीच में है रबानी जॉली जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका, और आपके सारे सर्टिफिकेट हम देख रहे हैं, और जो आपके पास हुनर है ये सचमुच में भारत के जितने लोग हैं, मैं तो भारत की बात नहीं, हम लोग 800 करोड़ इस पृथ्वी पर रहते हैं और इतने सारे लोगों के बीच में, अगर मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि हमने 1300 से ज़्यादा ये किताब के अंदर 1300 से ज़्यादा लोगों का नाम गया है, और अभी छठवां एडिशन भी हमारा आ रहा है जिसमें और कुछ लोग ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपका जो हुनर है ये सचमुच में अलग है। जैसे मैंने खुद आपका वो एडजुडिकेट किया हुआ था जब कोरोना के समय, हमने ऑनलाइन आपका टेस्टिंग लिया हुआ था, और आज हमें मौका मिला है सामने हम आपका टेस्टिंग लेंगे। जैसे आपके पास एक टैलेंट है, और ये जो टैलेंट है इसको क्या नाम दे अभी तो चलो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप कोई भी भाषा में जो वर्ड को लिखा जाता है और उस पर आप हाथ रखते हैं जी, उसको फील करते हैं और कुछ वर्ड कुछ समय के बाद आप बताते हैं कि वो क्या लिखा है, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में होने दीजिएगा, लेकिन ये क्या है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है, जो कि हमारे ब्रेन को इस तरह से एक्टिवेट करती है कि हमारा ब्रेन एक इस तरीके से काम करे जिस तरीके से हम उसे काम करवाना चाहते हैं। यू बेसिकली ट्रेन योर ओन माइंड। यस, एंड सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऑनर दिया दैट आफ्टर 2021 नाउ 3 years लेटर आई एम फाइनली मीटिंग यू पर्सनली। इट्स सच अ ग्रेट मोमेंट। जैसे आपने बताया कि ये एक सबकॉन्शियस माइंड पर है, तो जैसे हमने जहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया था आई ब्रेन पावर्स, हमने वहाँ पर भी आपके बारे में रिसर्च किया कि सचमुच में ऐसा होता है कि अशफाक सैयद सर हैं जिन्होंने आपको इसके लिए तैयार किए थे, आपके गुरु हैं, हमने उनसे भी इस पर चर्चा की, आपसे मिलने के पहले हम उनको भी मिलकर आए इसी विषय पर, क्योंकि ये विषय हम चाहते हैं, इंटेंशन बहुत क्लियर है यहाँ पे इंटरव्यू लेने का, ये टैलेंट जो है सबके पास पहुँचना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भारत में एक ऐसी भी कन्या है, भारत की एक ऐसी भी कन्या है जिसके पास ये टैलेंट है, और इस पर अभी भी साइंस ने इस पार्ट को छोड़ा हुआ है, अभी भी इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। तो जैसे आप वो शब्दों पर आप जो भी लैंग्वेज में, रशिया भाषा में होने दीजिएगा, सोहिली भाषा में होने दीजिएगा, इथोपिया में होने दीजिएगा, क्रियोल भाषा में होने दीजिएगा, आप उस पर हाथ रखते हैं और फिर वो बराबर वो जो है आपके माइंड में जाके फिर वो आप उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं जी। तो हमारे बीच में हमारे और एक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक टीम भी आए हुए हैं, अगर वो रेडी हो गए तो सर, अगर हो गया तो अगर हाँ, अभी हमें कोई पता नहीं, किसी को भी वर्ड पता नहीं, आपको भी नहीं पता है। और मित्रों ये सचमुच में टेस्ट हो रहा है, ये जो है ना कुछ यहाँ पर कोई ये हाँ ये कुछ भी यहाँ पर हमने कुछ गिमिक नहीं किया हुआ है सर। प्लीज सर, हमारे बीच में हमारे एडजुडिकेटरी टीम से हैं सौरभ जैन साहब हैं। सौरभ जैन साहब, आपने वर्ड कोई कर दिया है, जरा दे देंगे आप बता दीजिएगा क्या वर्ड है। फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। हमारे बीच में रबानी जॉली जी हैं जिनको हमने टेस्ट के लिए एक कोई वर्ड किसी भी भारत किसी भी लैंग्वेज में 3600 जो भाषाएं हैं उसमें से एक लैंग्वेज में इनको वर्ड दिया गया हमारे टीम की तरफ से, और वो इसको फील करके सेंसरी डेवलपमेंट इस टेक्निक, अभी फिलहाल हम इसको यही बोलेंगे सेंसरी डेवलपमेंट ही बोलेंगे, और उससे वो उसको फील करके बताएंगे कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ है। मित्रों यहाँ पर ये पूरा लाइव टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बैक स्टेज पर बात नहीं हुआ था हम क्या शब्द देने वाले, ये पूरा एकदम क्लीन है ये, इस पर विश्वास कीजिएगा। और हमारे साथ मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 4 लोग और हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, कोई एयरफोर्स डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, कोई टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, कोई मेमोरी टेक्निक हैं, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं।
सो एज फार एज इट इज कमिंग टू मी, इसमें मेरे को भी लेटर्स आ रहे हैं, जैसे एस, इट इज ऑल्सो ई, समथिंग लाइक समथिंग यू यूज एज अ टूल. So the word is syringe, I guess, and the language is, it's a very different language, I don't even know how to pronounce the name. You can spell. The spelling also is, wait, actually. No, right, right. I was telling the wrong word. I'm so sorry. The word is author. And so sometimes this happens when words combine. It happened with us too when sir was taking my online test. The 30th word, the same. The history repeats itself. जो इन्होंने वर्ड बताया मित्रों सही बताया है, ऑथर है. और ये मैंने नहीं दिया था, मुझे भी नहीं पता था. हमारे बीच में जो हमारे दूसरे पर्यवेक्षक जो है सौरभ जैन साहब, इन्होंने वो वर्ड दिया हुआ था. लैंग्वेज इज ग्रीक, जी डबल ई के, एंड आई डोंट नो इफ इट कुड बी ग्रीक और ग्रीक. ग्रीक वर्ड. क्या बात है मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार स्टूडियो की तरफ थोड़ा देख लेंगे हम लोग, बताएंगे कि यहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर सारे डिग्नेटरी लोग बैठे हुए हैं. यहाँ पर कोई बैक स्टेज यहाँ पर कोई बात नहीं हुई थी. ये सारे के सारे जितने लोग भी हैं यहाँ पर, आप जिनको भी देख रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को लाइव, आप तो इसको बाद में यूट्यूब पर देख रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग जो है यहाँ पर इसको लाइव देख रहे हैं. तो इस तरह का टैलेंट है ये, जो वर्ड था ऑथर और आपने ग्रीक जो वर्ड बताया है. और ये 3 साल पहले भी आपने ऐसे ही लाइव आपने, तब तो हमने ऑनलाइन, हम ऑफिस में बैठ के, मुंबई के ऑफिस में बैठ के हमने आपका इंटरव्यू लिया था. तो मेरा जो सवाल है कि ये कैसे, यानी क्या इसके पीछे काम करता है, कौन सी साइंस काम करती है? सो जैसे कि मैंने पहले बताया, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड आपने बताया. हमने जोसेफ मर्फी को पूरा भारत पढ़ चुका है. जोसेफ मर्फी की किताब मैक्सिमम आने वाली नई जनरेशन भी उसको पढ़ रही है. जोसेफ मर्फी होने दीजिएगा, डी सिल्वा माइंड कंट्रोल होने दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं. लेकिन ये क्या, कैसे, थोड़ा दर्शकों को बताइए ना, और इसको क्या क्या कहें. हमने अशफाक सैयद जी से भी बात किया था कि सर आप बताइए इसको क्या बोलते हैं, हमको भी मालूम नहीं क्या बोलते हैं. फिर हमने बोला कि क्या है आई ब्रेन पावर्स, क्या करती है? तो बोले ऐसे लोगों को ट्रेन करती है. So what I like to call it is brain train, because इस art से, इस knowledge से मैंने अपना brain train किया है. And as per the translation thing, I would say मुझे भी खुद नाम नहीं पता. So this is something जो I know कि बस है, but I don't know what to call it. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों mind techniques या रबानी टेक्निक्स के हिसाब से इसको नाम दिया जाएगा. I would go into the ground with honor. नहीं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये अभी तक हम रिसर्च हमारा, नो बिफोर दैट आल्सो वी हैव सर्च ऑन द डिफरेंट पीपल. हमने बहुत सारे लोगों पे सर्च किया है. 4.5 लाख लोगों को तो मैंने ट्रेन किया अलग अलग कंपनी स्कूल में जाके. बट ये जो ट्रेन है ना, ये जो बता रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता है. बट इट्स ऑल राइट, हम इसको रबानी टेक्निक्स, ओके, इसको रबानी टेक्निक्स, ओके, आज हम इसको एक एक्सरे जैसे देने से अच्छा रबानी मेमोरी टेक्निक्स, क्या नाम देंगे सर? रबानी मेमोरी टेक्निक्स. हाँ, रबानी मेमोरी टेक्निक्स के नाम से इसको आप जानेंगे. अभी फिलहाल दिस इज सो मच टू टेक इन, नो, राइट नाउ वी आर कॉलिंग इट. ये मुझे भी पता नहीं है, जैसे आपको ऊपर से आए है ना, तो हमको भी ऊपर से कहीं से हमारे भी माइंड में आ गए, हमने भी नहीं सोचा था. यू आर गेटिंग अ दिवाली गिफ्ट फॉर दिस. हां, दिस इज अ रबानी मेमोरी टेक्निक. रबानी मेमोरी टेक्निक, चलिए. दिस इज अ बिग वन एंड सो मच टू टेक इन दैट इट वुड टेक मी डेज. ओके ओके, अब ठीक है, अब कहीं तो उसको नामकरण तो करना पड़ेगा. एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये वर्ल्ड के सामने, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड के सामने जिन्होंने इसको सामने लेकर आया. तो रबानी मेमोरी टेक्निक्स, क्लियर? ऑनेस्टली फॉर दिस आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक अशफाक सर एंड माय फैमिली कि जो मेरे को इस पाथ पे लेके आए ताकि मैं इतना कर सके. बिकॉज़ दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग. ओके, अब आगे चलते हम. अगर ये किसी को सीखना है, समझो रबानी मेमोरी टेक्निक किसी को सीखना है, आपकी सिस्टर है, आपकी सिस्टर को ही सीखना है, जी, तो कैसे सिखाएंगे इसको? किसी को सिखा सकते हैं क्या ये? जी जरूर. सो फॉर क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, इफ सपोज समबडी, अगर वन पर्सन, अगर अर्थ का, इस पृथ्वी का एक आदमी अगर वो काम कर सकता है ना, तो बाकी लोग को भी वो करना चाहिए. करेक्ट. सो एक्चुअली मैं खुद बहुत बार ऐसे फील करती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने दादू से सीखा ये. What you do, you teach others also. So when you give knowledge, knowledge is multiplied 10 times and it comes back to you. And
व्हाट आई फील कि हर कोई सीख सकता है. फॉर दिल्ली माय मदर इज अ ट्रेनर एंड एज पर व्हाट आई हैव लर्न्ड टिल दैट लेवल अशफाक सर इट इज. सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस कोर्स. बट for learning this I feel you no, need I will, to have I will I will request to I will request to Ashfaq sir also ki sir ye jo technique aap sikha rahe hain whatever you are teaching this jo bhi method hai isko aap aaj se Rabina memory Rabani memory technique रबानी मेमोरी टेक्निक नाम रख दीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए नाम तो देना पड़ेगा जी. जैसे आपके दादू जो है जॉली अंकल जो है वो भी कुछ करते तो वो भी तो नाम है ना, ग्राफोलॉजिस्ट, उसको भी तो एक नाम दिया गया ना ग्राफोलॉजिस्ट, तो वो भी तो बोल रहे हैं कि लोग समझ जाते हैं हाँ ग्राफोलॉजिस्ट है. तो कल अगर ये टेक्निक अच्छा आपको वो रबानी मेमोरी टेक्निक आता है क्या? हाँ आता है मुझे, लोग आने वाले दिनों में ऐसी बातें करेंगे कुछ दिनों के बाद. चलिए ठीक है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड? हम आए ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से. It was Diwali time only, three years back, jab very surprisingly I came to know that, oh my god, I'm already a world record holder now. So tabhi bhi it was lot to take in. When we got the application from your teacher, sir, ki taraf se, to hum log ko laga nahi aisa kuch hai, aisa koi humko pata hi nahi, kyunki jab bhi koi application aata hai, to first is, hum log public domain pe search karte hain. Public domain pe aisi koi cheez hi nahi hai. Wo humko kya likh kar de rahe the, main unko bola, sir, ye kya likha hai aapne? ऐसा कुछ होता है क्या? बोले आप एक बार मिलिए, एक बार आप टेस्ट लीजिएगा, मंगता तो दो तीन बार टेस्ट लीजिएगा, हम उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उसको बोला जाए. क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ मेजरेबल तो होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए. चलो सेफ्टी था, लेकिन मेजर कैसे करेंगे? ब्रेक कैसे करेंगे? आपके अपोजिट में भी तो कोई खड़ा होना चाहिए ना, तो आपके अपोजिट में कोई था उस समय? कुछ भी था ही नहीं ऐसा. तो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ जरा बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ. ओके, दैट इज तो ठीक है, बट इट वाज वेरी लवली. इट वाज समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट. क्योंकि It was Diwali time only 3 years back when my mother and father they told me that Ashfaq sir ne na Rabani tera ek interview karana hai for a company jo is course ko aage sikhana chahta hai. I was like okay, I'll prepare for it and I did my listening and everything and I was ready ki haan take it now. So then sir gave me that sheet online and we took a print that time. हमारे पास 5-6 कुछ थे और उसमें से हमने कोई एक सिलेक्ट किया था, आपको पता नहीं था कौन सा है, और उसमें से हमने एक रेंडमली ऐसा कुछ आंख बंद करके एक निकाल दिया और वो फिर हमने इमीडिएटली आपको सर को, सर भी शायद आपके दादू भी वहीं पर थे. हाँ. क्योंकि हम आपको दो कैमरा से देख रहे थे. right. दो कैमरे से हम आपको पूरा चेक कर रहे थे. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, तो हम आपको चेक कर रहे थे, लेकिन आपने बराबर एक एक करके शायद एक या दो ही शायद उसमें से शायद एक या दो. It is such a vivid memory of mine. So I got to know. And 29 of my words, they were correct. The 30th word was globe and I was telling sphere. Sphere. Yeah. Yes. So I remember very vividly. So then I told it, no, I wanted to get checked again because it is sphere, it's not globe. So sir checked it again. And due to that English error, it came out to be sphere. And then sir announced that, oh my God, now you're a world record holder. It was lot to take in at that moment क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा सिर्फ एक डेमो हो रहा था जो मैंने दूसरी कंपनी को देना था. But as soon as this was announced, I was in shock and it was something very ecstatic that I'll never forget. मित्रों, ऐसे कहा जाता है अगर आपको अमर होना है तो चार काम हर इंसान ने करना चाहिए. फोर वर्क, हर आदमी ने फोर वर्क करना चाहिए. चार काम सभी ने करना चाहिए. द फर्स्ट वन इज एक पेड़ लगाकर जाना चाहिए. सेकंड इज एक अच्छा जनरेशन तैयार करना चाहिए, एक अच्छे लोगों को तैयार करके जाइए. थर्ड वन इज एक किताब लिखकर जाना चाहिए. ऑलरेडी आपने किताब में एक आर्टिकल लिख दिया, लेकिन हम ऐसा विश करते कि बहुत जल्दी आपकी बुक आए. एंड फोर वन इज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए. तो आपने मुझे लगता है तीन काम तो ऑलरेडी, अब चौथा भी आपका जो जनरेशन को आप पढ़ाएंगे आगे वो भी अच्छा रहेगा. आई होप सो. अभी आप क्या करेंगे? अभी चलो ये आपको पता चल गया कि मेरे अंदर ये टेक्निक, मेरे अंदर ये जो है रबानी मेमोरी टेक्निक मेरे पास आ गया है. अब इसको समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए और वर्ल्ड के लिए आप कैसे इसको इसको हेल्प करेंगे या उसको कैसे आप उसको क्या करेंगे फ्यूचर में, उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे? सो दिस प्रोबेबली वुड बी इफ आई वाज अ प्रेसिडेंट फॉर वन डे. और होगा मैम, 100% होगा. चलिए पूरा ऑनलाइन हम बोल रहे हैं, वो होगा, आप बनेंगे वन डे के लिए. क्यों, मैं तो बोलता 5 साल के लिए बनेंगे आप. नो, फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ओके, if so I would introduce this as a course in schools which already Ashfaq so why you are waiting for this. Why you are waiting for become a president na? Still you can do right now, you can do the same thing me introducing this. Haan, lekin ye ki aap log aap pe jaldi bharosa nahi karenge. Exactly. Lekin main aapko bol raha hu ye video dekhne ke baad ab logo ka dheere dheere
वो बिलीफ सिस्टम अब चालू होगा, अब चालू हो जाएगा, क्योंकि अब तक नाम ही नहीं पता था. अब जब नाम चला गया है, टेक्निक चला गया है, सिस्टम चला गया है, प्रिंसिपल चला गया कि इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं. अब धीरे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि काम करता है. क्वांटम फिजिक्स अब काम करने लगा है. क्वांटम फिजिक्स के बारे में लोग बातें करते हैं अब, क्योंकि अब ये काम कर रहा है. वाइब्रेशन जो माइंड का हमारा जो थॉट्स है, थॉट्स प्रोसेसिंग एंड द यूनिवर्सल में जाता है, यूनिवर्सल से रिटर्न हमारे पास आता है. अब मैनिफेस्टेशन पे लोग बात करने लगे. आने वाले दिनों में रवानी मेमोरी टेक्निक्स, इस पर बात करेंगे. अब मुझे यही है कि राष्ट्र की भलाई के लिए आज से, फ्रॉम टुडे, चलो ठीक है वो भी आप बन जाएंगे, अभी आप कैसे करेंगे इसको, कैसे इसको हम एक मानव भलाई के लिए इसको कैसे यूज करेंगे आप, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये टेक्निक, ये गिफ्ट सबको नहीं मिला है. यू आर वेरी लकी कि आपके पास आपके दादू हैं, मम्मी डैडी हैं, आपके गुरु हैं, सबके आशीर्वाद से आपको वो मिला. आपके ईश्वर जो है, आपके ईश्वर के आशीर्वाद से उन्होंने आपको सिलेक्ट किया. सोचिए ना, 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से उन्होंने आपको चुना. दैट मीन्स अब इसको आपको यूज करना पड़ेगा समाज की भलाई के लिए. करेक्ट. सो फॉर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो मुझे लगता है कि एक तो ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हो, सो दैट इट कैन रीच मैक्सिमम पीपल. ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. आई एम अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म अंडर द नेम रवानी जॉली वंडर गर्ल. वंडर गर्ल वॉज द नेम दिल्ली पुलिस गेव. दिल्ली पुलिस, यस. हाँ जी. So I would like कि आप सब मुझे वहाँ follow करें and then Wonder you can Girls. Yes, this is Wonder Girls, the blindfold challenge expert. हाँ जी. So I would like कि everyone follow me, everyone follow OMG, so that ये video इतनी circulate हो, and if anyone wants to learn it, they can contact my mom. So this at present, this can be the thing done. What I can do? Great. The last question is, अब आपको हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मुझे आएगा हमेशा. आज का जो युवा है, आज का जो यंग जनरेशन है, या जिसको हम जेन जी भी बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मी, आई माय सेल्फ, आई एम अ जेन जी, सो इन जेन जी स्लैंग्स में बोलूंगी, गाइस, किल इट, आग लगा दो. यू कैन डू एनीथिंग, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई वुड से इन द जेन जी स्लैंग, बिकॉज एवरीवन माइट बी यैपिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, बट एनीवन कैन डू एनीथिंग इफ दे हैव द विल टू डू इट. सो मित्रों, आग लगा दो. ये थे हमारे रवानी जॉली जी, जिन्होंने इस टेक्निक के बारे में बताया. इस टेक्निक पर मित्रों अभी ये शुरुआत हुई है, ये तो अभी आगाज़ है. अभी अंजाम कैसा होगा हमें पता नहीं, लेकिन आगाज़ है मित्रों. इस पर आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा. और इन्होंने जो, देखिए, एक पर्सन अगर ये कर सकता है तो पूरा वर्ल्ड वो कर सकता है. बस उस पर हमें फोकस करना है, और जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं ज़िंदगी में वही बढ़ती है. इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया. इनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट मिला, जो इनका माहौल मिला, पढ़ाई का माहौल मिला, इनके जो जनरेशन इनको मिली बहुत अच्छी मिली, गाइड करने वाली मिली. ठीक है, आप जिस कंडीशन में होंगे, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि आप भी ये कर सकते हैं. आप ज़रूर एक बार रवानी मेमोरी टेक्निक्स या रवानी जॉली इनको फॉलो कीजिएगा. मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है. रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है. और यही जुनून मैंने इस बच्ची में देखा है. और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. आप भविष्य में बहुत आगे जाइए और बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार आपको मिले. लेकिन वही है, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू.